झाबुआ जिले के मेघनगर में 2 लाख रुद्राक्ष महाभिषेक को लेकर उत्साह चरम सीमा पर है। इसी खड़ी में जिले के मेघनगर में सिद्ध विनायक गणेश मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकली गई। इंद्रदेव द्वारा जहां रिमझिम फुहारों के साथ शोभा यात्रा में शामिल सभी भक्तों का स्वागत किया। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंडी मैदान पर पहुंची। इस शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। 2 लाख रुद्राक्ष धारण किए शिवलिंग का अलौकिक श्रृंगार की छवि देखते ही बन रही थी। इस शोभा यात्रा में प्रेरणा स्तोत्र पीठाधीश्वर श्री महामंडलेश्वर 1008, सुरेशानंद जी सरस्वती सहित संत जन, श्री राम कथा वाचक फाल्गुनी वैष्णव इस शोभा यात्रा में बग्घी में सवार होकर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। बैंड ढोल ताशों के मधुर संगीत ने जहां मेघनगर को धर्ममय कर दिया, तो वही रंग बिरंगे परिधानों में मातृशक्ति व पुरुष इस शोभा यात्रा में एक साथ चल रहे थे और 2 लाख रुद्राक्ष महाभिषेक आयोजन के साक्षी बने। जय श्री राम। यहाँ पर 2 लाख रुद्राक्ष महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राम कथा एवं सबसे पहला सुख निरोगी काया के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण का भी कार्यक्रम रखा गया है। सभी धर्म के विषय अधिक से अधिक धर्म से जुड़ना है, हमें प्रभु से जुड़ना है। इतना अच्छा संतों का समागम यहाँ हो रहा है। जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य तो यही होता है कि हम संतों के दर्शन करें या इतने संतों का हमें दर्शन लाभ प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की सभी वनवासी जनता से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा और जितने भी धर्मावलंबी सद्भक्त लोग हैं, वो इस मेघनगर में रुद्राभिषेक एवं रुद्राक्ष पूजन और 2 लाख जो भगवान शिव जी का पवित्र प्रसाद ऐसे रुद्राक्ष का जो यहाँ पर वितरण किया जाएगा, तो इस लाभ लेने के लिए समग्र जनता यहाँ पर उपस्थित होवे। और आज बहुत भव्य और दिव्य शोभा यात्रा जो आज मेघनगर में पूरे नगर से होते हुए यहाँ पर जो पहुँची है पंडाल में, तो ये भी एक अपने आप में क्या मेघ राजा की भी बहुत बड़े आगमन राग मेघ राजा का पूरे शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता रहा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है कि जिस प्रकार से एक नाड़ी परीक्षण का भी यहाँ पर कार्यक्रम कल से शुरू होगा, जो नाड़ी परीक्षण का जो कार्यक्रम है सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगा, तो सभी भक्त लोग आए और अपने शरीर में कोई विसंगति हो, कोई रोग हो या कोई तकलीफ हो, तो निःशुल्क बिना संकोच के आके अपना नाड़ी परीक्षण करवा सकते हैं और अपने इस काया को अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में यहाँ आए और यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे ये धर्म लाभ भी लेवे, ज्ञान विज्ञान औषधि वन औषधि इन सब का एक सुंदर रसायन यहाँ देखने को मिलेगा। नाड़ी परीक्षा भी होगी, व्याधियों के बारे में भी चिंतन होगा। बाद में रुद्राक्ष का जो कार्यक्रम है, ये रुद्राक्ष केवल आध्यात्म नहीं औषधि भी है, इसका भी यहाँ पर चिंतन होगा। लोगों में रुद्राक्ष के महत्व के बारे में बताया जाएगा और बाद में भागवत अपना राम कथा, हमारी बिटिया यहाँ राम कथा भी करेंगे, तो राम कथा विस्तृत न करते हुए जो जो प्रसंग हमारे लिए प्रेरणादायी है उन प्रसंगों का वर्णन राम कथा में होगा। उसके बाद फिर हमारे जो वनवासी बंधु है वो यहाँ भजन भी गाएंगे, अपनी कला और संस्कृति का परिचय देंगे। एक विशाल आयोजन मेघनगर में जो है, मैं चाहता हूँ कि एक एक व्यक्ति यहाँ आए और इस संपूर्ण कार्यक्रम का आनंद ले और आनंद की अनुभूति उनको तब होगी जब यहाँ के विषय, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो जब उनको पता चलेगा तो निश्चित आनंद की अनुभूति होगी। हाँ, केवल पानी पी के सुबह के समय पे यहाँ आना, चाय दूध कॉफ़ी कुछ नहीं देना, नन्हे कोटे आना, उनके नाड़ी परीक्षण होगा और नाड़ी परीक्षण के आधार पे उनको औषधि योजना बनेगी। और ये एक नाड़ी परीक्षा का विषय जो है वो एक आध्यात्मिक विषय है, उसके बारे में जब समय आएगा तो मंच से मैं बताऊंगा। परंतु आइए इन सब
व्याधिग्रस्त लोगों को भी ले आइए, उनके भी ना यहाँ आरोग्य शिविर के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे।